Hello students, a very good evening to all of you again, and I welcome you all back again at the Sawal classes. So इस lecture में हम हमारा बड़ा ही important एक जो आपका mock test है वो discuss करने जा रहे हैं, उसका मैं solution आपको देने जा रही हूँ. तो I hope आप लोगों ने ये mock test बिल्कुल उसी तरीके से करा होगा जैसा कि संडे को आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं. ठीक है जी, ये पूरी तरह से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, जो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया देने के लिए कि इस तरीके से एग्जाम, इस लेवल का एग्जाम आपको आ सकता है. तो आई होप आप लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ इसे किया होगा, और अब हम स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट की डिस्कशन. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन के साथ. हियर लाइज वन हुज स्पेयर्ड नाइदर मैन नॉर गॉड, वेस्ट नॉट योर टियर ऑन हिम, ही वॉज अ सॉड, राइटिंग नैस्टी थिंग्स रिगार्डेड एज ग्रेट फन, थैंक द लॉर्ड ही इज डेड दिस सन ऑफ अ गन, हुज एपिटाफ इज दिस. किसका एपिटाफ है ये? हाँ जी, खुशवंत सिंह का, अमिताभ घोष का, राजा राव का, या आर के नारायण का? और मुझे पता है आप लोगों ने बड़ी आसानी से इसका आंसर दिया होगा. यस, इट वाज बाय खुशवंत सिंह. वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर टू, विच नॉवल ऑफ राजा राव इज नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्थल पुराण बाय एन ओल्ड वुमन ऑफ द विलेज अचक्का. कौन से नॉवल की नरेटर है अचक्का, और जो कि स्थल पुराण, जिस नॉवल को स्थल पुराण कहा जाता है, द सर्पेंट एंड द रोप, द काउ एंड द बैरिकेड्स, कैट एंड शेक्सपियर, या कांथापुरा? यस, इट इज कांथापुरा. वेरी राइट, इट इज कांथापुरा. ठीक है जी, इसको स्थल पुराण कह दिया जाता है, इसको रीजनल नॉवल भी कह दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो फोकस किस पे है, वो रीजन पे है. और स्थल पुराण इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इसको माइथोलॉजी की हेल्प से नरेट करा गया है. ठीक है, माइथोलॉजी की हेल्प से नरेट करा गया है, इसलिए इसको स्थल पुराण कह दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर थ्री, नारायण शॉर्ट स्टोरीज हैव बीन कंपेयर्ड विद दोज ऑफ डैश बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू कंप्रेस अ नैरेटिव. नारायण की शॉर्ट स्टोरीज किस राइटर के साथ कंपेयर करी जाती हैं? मैं ऑप्शंस नहीं बार बार बोलूंगी, सीधा आंसर ही बोलेंगे. इट इज गाय दी मॉपेजेंट. राइट, उनकी शॉर्ट स्टोरीज कंपेयर की जाती है मॉपेजेंट के साथ, नॉवेल्स कंपेयर किए जाते हैं फॉकनर के साथ, और मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ, नॉवेल्स कंपेयर किए जाते हैं फॉकनर के साथ. क्वेश्चन नंबर फोर, हु वाज आल्सो कॉल्ड इंडियन शिखोव. इंडियन शिखोव किसको कहा जाता था? सो इंडियन शिखोव वॉज आर के नारायण. राइट, इंडियन शिखोव वॉज आर के नारायण. मुल्कराजानंद वॉज चार्ल्स डिकिन्स. मुल्कराजानंद वॉज चार्ल्स डिकिन्स ऑफ इंडिया. राइट, मुल्कराजानंद वॉज चार्ल्स डिकिन्स. बच्चे, बड़ी बार हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, कैसे आप लोगों ने गलत कर दिया. आर के नारायण इज इंडियन शिखोव. ऑल राइट, मैंने ये करेक्शन करवाई भी हुई है. हम लोगों ने पहले राजा राव गलती से करा था, बट देन आई मेड अ करेक्शन इन सम अदर एमसीक्यू लेक्चर दैट इट इज बेसिकली आर के नारायण. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर फाइव, द डीप स्ट्रक्चर इन टीजी ग्रामर रेफर्स टू. डीप स्ट्रक्चर को हम और क्या कह सकते हैं? हाँ जी, डीप स्ट्रक्चर को हम और क्या कह सकते हैं? डीप स्ट्रक्चर इज, इट इज कर्नल सेंटेंस. वेरी राइट, इट इज कर्नल सेंटेंस. चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ दीज इज अ हिस्टोरिकल नॉवल बाय अमिताभ घोष. हिस्टोरिकल नॉवल कौन सा है इनमें से अमिताभ घोष का? विच ऑफ दीज इज अ हिस्टोरिकल नॉवल बाय अमिताभ घोष? इट इज, यस इट इज द ग्लास पैलेस. राइट, इट इज द ग्लास पैलेस. वेरी राइट. बच्चे, मैंने आपको बताया था कि कर्नल क्या होता है. कर्नल इज सीड. ऐसे याद रखना, कर्नल होता है सीड. सीड फल के अंदर होता है ना, सीड फल के अंदर होता है. तो इसलिए जो डीप स्ट्रक्चर है उसको कर्नल सेंटेंस कह दिया जाता है. ठीक है जी, देन इज क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन रविंद्र संगीत. रविंद्र संगीत में टोटल कितने सॉन्ग्स हैं? द
रविंद्र संगीत में टोटल कितने सॉन्ग्स हैं? राइट 12, 22, 30. वेरी राइट 22, 30. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ दीज राइटर्स इज ऑल्सो पोलिटिकल एक्टिविस्ट इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल इशूज? इनमें से कौन से राइटर एक पोलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़ते हैं और एनवायरमेंटल इशूज के लिए भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं? यस, इट इज अरुंधति रॉय. वेरी राइट, अरुंधति रॉय. क्वेश्चन नंबर 9. विच बुक ऑफ ए के रामानुजन गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड? ए के रामानुजन को किस बुक के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? सो ही गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द कलेक्टेड पोएम्स. राइट, हम लोग पहले भी ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं. ही गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कलेक्टेड पोएम्स. क्वेश्चन नंबर 10. हु कॉल्ड हिमसेल्फ हाइफन इन इंडो अमेरिकन? हम लोग अभी भी इंडियन राइटिंग वाले जो राइटर्स हैं उनमें डिस्कस करके हटे हैं. हाइफन किसको कहा जाता था? ए के रामानुजन. राइट, हाइफन इज ए के रामानुजन बिकॉज ही सेड कि इंडिया में उनका बर्थ हुआ है. राइट, और स्किल जो कि पोएट बनने का स्किल उन्होंने कहाँ से सीखा था, राइटिंग स्किल उन्होंने कहाँ से सीखे थे? अमेरिका से उनकी ट्रेनिंग थी. क्वेश्चन नंबर 11. When an actor speaks their thoughts out loud to the audience, used to help the audience understand what an actor is thinking. Yes, that is Solly Lucky. मैं आप लोगों को बार बार ये समझाती आई हूँ कि thoughts पे focus करना है, ठीक है? Thoughts word पे focus करना है. जहाँ पे word thoughts आ गया, that is Solly Lucky. ठीक है? जहाँ पे word thought आ गया, वहाँ पे Solly Lucky हो जाएगा. Question number 12. चॉम्स्की डेवलप्ड ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर इन, ये 1957 में डेवलप हुई थी. ठीक है, तो आपको पेपर के हिसाब से जो है इसमें ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, पेपर के हिसाब से यू कैन गिव योरसेल्फ ग्रेस मार्क्स इन दिस. हाँ जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, 1957. क्वेश्चन नंबर 13. हु सेड अबाउट अनीता देसाई, वन ऑफ द प्री एमिनेंट कंटेम्प्रेरी इंडियन नॉवलिस्ट? किसने बोला ये अनीता देसाई के बारे में कि वो कंटेम्प्ररी इंडियन नॉवलिस्ट्स में प्री एमिनेंट हैं, काफी पॉपुलर हैं, काफी फेमस हैं? इट इज माइकल मैटन. राइट, इट इज माइकल मैटन. क्वेश्चन नंबर 14. अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय लिंग्विस्ट सॉशर विच रेफर्स टू द स्टेट ऑफ लैंग्वेज एज इट एग्जिस्ट्स एट अ गिवन टाइम. तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, विच एग्जिस्ट्स एट अ गिवन टाइम इज सिंक्रोनी, एंड डायक्रोनी इज स्टडी थ्रू टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम की, गिवन टाइम मींस पर्टिकुलर टाइम की, पर्टिकुलर टाइम की स्टडी होती है सिंक्रोनी. थ्रू टाइम इज डायक्रोनी. जैसे कोई हमें कह दे 2001 से 2020 तक की, राइट, दैट विल बी डायक्रोनी. क्वेश्चन नंबर 15. मुल्कराज आनंद वॉज रेफर्ड टू एज डैश ऑफ इंडिया, सो ही वॉज रेफर्ड टू एज चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया. ठीक है, मुल्कराज आनंद को चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया कहा जाता था. क्वेश्चन नंबर 16. इन व्हाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस इन पैराडाइज लॉस्ट? किस बुक में फॉल हुआ था पैराडाइज लॉस्ट में? सो द फॉल हैपेंस इन बुक 9, जब एडम एंड ईव को जो है पैराडाइज से निकाल दिया जाता है. ठीक है, एडम एंड ईव are sent out of paradise, right? So they are sent out of paradise. All right. Question number 17. Isaac Walton wrote the biography of. Isaac Walton ne kiski biography likhi thi? So Isaac Walton was the biographer of John Donne, right? He wrote the biography of John Donne. Question number 18. Which of these writer also translated Virgil's works? Virgil के works किसने translate करे थे? John Dryden ने. ठीक है जी, John Dryden ने Virgil के works को translate करा था. Right? It was John Dryden. All right. Question number 19. Which is the shortest book in Paradise Lost out of the 12 books? So the shortest book is book number 7. ठीक है जी. नाइन्थ बुक जो है वो लॉन्गेस्ट है. ठीक है, नाइन्थ बुक जो है वो लॉन्गेस्ट बुक है पैराडाइज लॉस्ट में, और जो सेवन नंबर बुक है दैट इज द शॉर्टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 20.
She is going to die of embarrassment. The above statement is an example of she is going to die of embarrassment is exaggeration. ठीक है, is exaggeration. अब आप लोग यहाँ पे बोलोगे मैम ये हाइपरबली भी है. ठीक है, आप लोग बोलोगे ये हाइपरबली भी है. यस, मुझे पता था, मुझे पता था आप लोग ये बोलोगे कि हाइपरबली भी है. बच्चे ये स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. अगर हम बोलें फिगर ऑफ स्पीच, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूरा पूछूं कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज करी गई है, अगर मैं आपसे, देखो यही चीज का ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, ये बात का ध्यान रखना है. अगर मैं आपसे पूछूं दैट विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, तो आप बोलोगे हाइपरबली. पर मैंने यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा है कि कौन सी तरह की स्टेटमेंट है ये, टाइप ऑफ स्टेटमेंट, राइट, ये किस तरह की स्टेटमेंट है. सो इट इज एग्जैजरेशन, राइट, इट इज एग्जैजरेशन. कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को सिखाने के लिए ही है ये आप लोगों को सिखाने के लिए ही है, राइट. क्वेश्चन नंबर 21, विच सॉनेट्स बाय शेक्सपियर आर डेडिकेटेड टू अ डार्क लेडी विच इज ऑल्सो कॉल्ड हिज मिस्ट्रेस. तो डार्क लेडी को कौन सी सॉनेट्स डेडिकेट करी है, 127 से 154, 127 से 154. हां जी, क्वेश्चन नंबर 22, हु सेज द फॉलोइंग इन जूलियस सीजर, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन व्हिच टेकन एट द फ्लड जोन लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून. कौन ये स्टेटमेंट बोलता है जूलियस सीजर में. सो इट इज सेड बाय ब्रूटस, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन व्हिच टेकन एट द फ्लड्स ऑन लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून, राइट. ओ यस, इट वाज 152. ठीक है जी, इसमें भी ग्रेस मार्क्स हो गए. ठीक है, ग्रेस मार्क्स हो गए, चलो कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 23, विच सोसाइटी पीपल इज क्लोजेस्ट टू द प्लेटोनिक आइडियल गवर्न्ड बाय रीजन ऑनेस्टी कम्युनिटी इन गुलिवर्स ट्रेवल. प्लेटोनिक आइडियल्स से कौन सी सोसाइटी बनी हुई है. सो इट इज होयन हम, इट इज होयन हम्स. क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग व्हाट टाइम एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी वॉज रिटन बाय जॉन ड्राइडन. तो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी कब लिखा गया था, ये लिखा गया था 1668 में, राइट, 1668 में. क्वेश्चन नंबर 25, अरविन एहरन फ्रेस इज द बायोग्राफर ऑफ. अरविन एहरन फ्रेस ने किसकी बायोग्राफी लिखी थी, जोनाथन स्विफ्ट की, राइट, ही रोट द बायोग्राफी ऑफ जोनाथन स्विफ्ट. क्वेश्चन नंबर 26, विच नॉवल ऑफ हिज इज डिफाइंड बाय फील्डिंग एज अ कॉमिक रोमांस. फील्डिंग ने कौन से नॉवल को कॉमिक रोमांस बोला था. It was, yes, it was Joseph Andrews. All right, it was Joseph Andrews. Okay, question number 27. The first play of Marlowe to be performed on stage. Marlowe ka kaun sa pehla play tha jo stage pe pehli baar perform hua tha. Kaun sa play pehli baar perform hua tha stage pe. Likha koi aur gaya tha. मैं आप लोगों को बोल चुकी हूं पहले भी. ओ यस, बच्चे प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला करेक्ट कर लीजिए. इट इज 1666, मुझे डाउट हो गया था. यस, इट वाज रिटन इन 1666 एंड पब्लिश्ड इन 68. थैंक्स टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा ध्यान दिलाया, थैंक यू जिन स्टूडेंट्स ने मेरा इस तरफ ध्यान दिलवाया. पहला कौन सा स्टेज था जो परफॉर्म, कौन सा पहला प्ले था, हाँ जी, जो स्टेज पे परफॉर्म हुआ था, इट वॉज तंबूर लेन, राइट. और रिटन कौन सा था पहला, रिटन था दीदो. बच्चे नहीं, जो टॉम में फिर भी ट्रेजेडी है, टॉम जोन्स इज नॉट कॉमिक रोमांस, टॉम जोन्स में फिर भी कॉमेडी है, ट्रेजेडी है. सिर्फ रोमांस को मत देखो. नो, आई चेक्ड इट अगेन. अगर मैंने गलत बताया था, छोड़ो इन बातों को, अगर मैंने गलत बताया था तो अब उसको करेक्ट कर लो. आई चेक्ड इट, ठीक है, मैं उसको वेरीफाई करके आई हूं. इट इज जोसेफ एंड्रयूज,
मैंने पिछले वाले में भी जोसेफ एंड्रयूज बोला था, मैंने पिछले वाले में भी जोसेफ एंड्रयूज बोला था, बट आप लोग बार बार टॉम जोन्स कहते हो। इट इज जोसेफ एंड्रयूज, देयर इज नो ट्रेजेडी इन जोसेफ एंड्रयूज, राइट? हां जी, क्वेश्चन नंबर 28। कुछ बच्चों ने तो ये तरीका अपना रखा है, खुद सही होते हैं तो कह देते मैम आपने करवाया था पिछली बार, खुद वो सही होते हैं तो कहते मैम आपने करवाया था पिछली बार। हाँ जी, हु टीम्ड विद जोसेफ एडिसन टू फॉर्म द फेमस लिटरेरी पार्टनरशिप दैट पुट आउट द न्यूज शीट द टैटलर एंड द डेली पेपर द स्पेक्टेटर। सो इट वॉज रिचर्ड स्टील, एब्सोल्यूटली करेक्ट, इट वॉज रिचर्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 29, विच आउट ऑफ दीज टर्म्स वॉज कॉइंड बाय इरास्मस। कौन सी टर्म कॉइन करी थी इरास्मस ने? सो इट वॉज पोएट टेस्टर, जो कि बेन जॉनसन का वर्क भी है, ठीक है, जो कि बेन जॉनसन का वर्क भी है। एंड इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स द पोएट विद इंफीरियर क्वालिटीज, राइट, जो कि एक इंफीरियर पोएट होता है, पोएट विद इंफीरियर क्वालिटीज, दैट इज पोएटेस्टर। क्वेश्चन नंबर 30, इन हूज मैनर फील्डिंग रोट द नॉवल जोसेफ एंड्रयूज। किसको फॉलो करते हुए फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज लिखा था? इट इज सर्वेंटस डॉन क्विक्सॉट, राइट, इट इज सर्वेंटस डॉन क्विक्सॉट। क्वेश्चन नंबर 31, ओजीमेंडियस इज द ग्रीक नेम फॉर विच इजिप्शियन फराओ। सो ओजीमेंडियस एक्चुअल में किसका नाम है? इट इज द नेम ऑफ रामसेस टू, राइट, इट इज द नेम ऑफ रामसेस टू। क्वेश्चन नंबर 32, whose biography was written by John G. Lockhart? John G. Lockhart ने किसकी बायोग्राफी लिखी थी? वॉल्टर स्कॉट की, राइट, इट इज द बायोग्राफी ऑफ वॉल्टर स्कॉट, ही रोट द बायोग्राफी ऑफ वॉल्टर स्कॉट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ दीज राइटर्स इज नॉट अटैक्ड बाय बारम इन इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स। कौन से राइटर को बायरन ने अटैक नहीं करा है इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स में? सो दैट वॉज, कौन से राइटर को नहीं करा है? यस, जॉन कीट्स को, एब्सोल्यूटली करेक्ट, जॉन कीट्स को। क्वेश्चन नंबर 34, अ डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज मॉर्फीम, एंड फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, राइट, और फोनीम क्या था? Only a smallest unit of language, right? जबकि morpheme जो है smallest meaningful unit. Question number 35. La Belle Dame's Mercy is a dash written by John Keats. हाँ जी, तो इसका यानर क्या है La Belle Dame's Mercy का? It is a ballad, right? It is a ballad written by John Keats. Okay. Question number 36. In which year Matthew Gregory Lewis's The Monk got published? द मंक किस साल में पब्लिश हुआ था? हां जी, द मंक किस साल में पब्लिश हुआ था? अश्विनी जी, यू कैन कॉन्टैक्ट साहिल सर फॉर दिस। आप नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यस, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1796, एब्सोल्यूटली करेक्ट, 1796। क्वेश्चन नंबर 37, The Wrongs of the Women is the subtitle of which Mary Shelley work? So The Wrongs of the Women is the subtitle of Maria, right? So The Wrongs of the Women is the subtitle of Maria. Chaliye. Question number 38. Who is the writer of Edelgitha or the Fruit of Single Error? Edelgitha ya Fruit of Single Error ke writer kaun hai? It is Matthew Gregory Lewis, right? It is Matthew Gregory Lewis. Question number 39. To whom Vindications of the Rights of Women is dedicated by Mary Wollstonecraft? Apna feminist work kisko dedicate kara tha? Bada hi important aur first feminist work jisko bol diya jata hai. So she dedicated it to M. Talleyrand Perigord. Right? She dedicated it to M. Talleyrand Perigord. Question number 40. In collaboration with whom Lee Hunt founded the journal The Examiner? हाँ जी, The Examiner किसके साथ found करा था Lee Hunt ने? अपने brother के साथ करा था? Yes, it was John Hunt. He was Lee Hunt's brother. Question number 41.
The inspiration for Mariana, written by Tennyson, comes from which of the following Shakespearean plays? So Mariana, M for Mariana and M for measure, right? शेक्सपियर के मेजर फॉर मेजर कितना आसान तरीका है याद रखने का, एम फॉर मरियाना एंड एम फॉर मेजर. क्वेश्चन नंबर 42. द बुक मनवरा पल्वरिस इन बाय रस्किन इज डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स, राइट? सो मनवरा पल्वरिस इज डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 43. विद विच पोयम रॉबर्ट ब्राउनिंग पेड अ ट्रिब्यूट टू जॉन कीट्स. मैं ये बार बार क्वेश्चन डालती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये पोयम रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस पोयम्स में नहीं आती है, पर मैं इसलिए क्वेश्चन रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो. सो द पोयम्स नेम इज पॉपुलैरिटी. क्वेश्चन नंबर 44. अपार्ट फ्रॉम इन मेमोरियम विच अदर शॉर्ट एलिजी डिड टेनिसन राइट ऑन द डेथ ऑफ हेलम. इन मेमोरियम के अलावा टेनिसन ने और कौन सी एलिजी लिखी थी हेलम की डेथ पे? देखो, इन मेमोरियम तो एक लॉन्ग एलिजी है ना, बड़ी ही लॉन्ग एलिजी है, कोई 33 कैंटोस की. सो इट इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है जी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक. क्वेश्चन नंबर 45. बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग आर ऑल्सो नोन एज लाइफ एंड आर्ट, पोइट्री एंड थॉट, नरेशन एंड लिसनिंग. तो बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स में सब कुछ है. बेल्स एंड पॉमीग्रेनेट्स में लाइफ से रिलेटेड भी पोएम्स हैं, आर्ट से रिलेटेड पोएम्स भी हैं, ठीक है, पोइट्री है, थॉट तो है ही है, ठीक है, नरेशन भी है और लिसनिंग भी है. नरेशन और लिसनिंग कैसे? क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, तो एक जना बोल रहा है. नरेशन एंड लिसनिंग क्यों? क्योंकि इनमें ड्रामेटिक मोनोलॉग्स भी हैं, राइट? और एक जना बोल रहा है, दूसरा जना सुन रहा है. और poems about life and art, there are poems about life and art also, aur poetry aur thought to hai hi hai, theek hai ji. Question number 46. What type of life is portrayed by in the novel Cranford by Elizabeth Gaskell? Kis tarah ki life ko portray kara hai Cranford mein Elizabeth Gaskell ne? Yes, it is sad and miserable. Very very right, very right. Question number 47. Whose death is mourned by Arnold in his memorial verses? अपने memorial verses में Arnold ने किसकी death को का शोक मनाया है? So it is Wordsworth, Goethe and Byron. Right? It is Wordsworth, Goethe and Byron. Question number 48. What type of critic Walter Pater was? So Walter Pater किसके साथ जुड़े हुए थे? Art for art's sake. है ना? It was art for art's sake. और आर्ट फॉर आर्ट सेक की थ्योरी को क्या बोला जाता था? एस्थेटिसिज्म, राइट? इट इज रेफर्ड टू एज एस्थेटिसिज्म. क्वेश्चन नंबर 49. इन विच नॉवल बाय शार्लट ब्रॉन्टे द कैरेक्टर ब्लॉकलहर्स्ट अपीयर. ब्लॉकलहर्स्ट किस नॉवल में होता है? जो कि लोवर्ड स्कूल का हेड होता है, हेडमास्टर होता है. इट इज जेन आयर, राइट? जो कि जेन को बड़ा शर्मिंदा भी करता है. क्वेश्चन नंबर 50. विच लिंग्विस्ट इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट फिगर विद द बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स. हाँ जी, कौन से लिंग्विस्ट जो है उनकी बुक है ये सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, राइट? इट इज बाय नोआम चॉम्स्की. एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज बाय नोआम चॉम्स्की. क्वेश्चन नंबर 51. डैश इज अ लेंथी नैरेटिव पोयम ordinarily involving stories of gods or other superhuman forces. Lengthy narrative poem, gods ke bare mein, superhuman forces ke bare mein. It is epic. Absolutely correct. Question number 52. Come Hither Child is a dash by Emily Bronte. So Come Hither Child is a poem by Emily Bronte, right? Come Hither Child is a poem by Emily Bronte. All right. Question number 53. Which novel of Mary Ann Evans? Mary Ann Evans कौन थी? George Eliot. ठीक है? George Eliot का कौन सा novel उनका greatest novel माना जाता है? So that is Middlemarch. जिसके लिए Virginia Woolf ने कहा था that novel for mature people. है ना? Virginia Woolf ने कहा था that it is novel for mature, for grown up people.
right? For grown-up people. All right. Question number 54. Which work of Thomas Hardy deals with Napoleonic Wars? कौन सा वर्क थॉमस हार्डी का नेपोलियनिक वर्क्स के बारे में है? सो दैट इज द डायनास्ट्स, ठीक है? ये प्ले है, हार्डी का लिखा हुआ प्ले है ये, राइट? द डायनास्ट्स। क्वेश्चन नंबर 55, इलियट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर वाज इन हर ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट लिटरेरी स्टाइल? इलियट की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है लिटरेचर को? रियलिज्म, राइट? शी यूज टू राइट रियलिस्टिक नॉवल्स because she used to write realistic novels. Question number 56. Dickens wrote Oliver Twist in response to what piece of legislation? कौन सा law pass हुआ था जब Oliver Twist ने ये novel लिखा था? So that was the Poor Law of 1834. Absolutely correct. It was the Poor Law of 1834. Question number 57. Samuel Butler satirizes the injustices of Victorian society in Erehorn, ठीक है? जो कि उनका utopian work है, right? तो उन्होंने Victorian society के injustices को वहां पे criticize करा है. Question number 58. Which of these does not make a part of Dickens' Tale of Two Cities? इनमें से कौन सा Tale of Two City का एक part नहीं है? So that is the Golden Gate. Okay, it is divided into three parts and the Golden Gate is the odd one out. Question number 59. With which thing or event the modern writers felt most betrayed? ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से modern writers को जिंदगी पर से विश्वास उठ गया था? So that was the World Wars, right? World Wars की वजह से. Question number 60. Under the influence of reading which writer did T.S. Eliot create the second phase of his poetry? किस writer से बहुत ज़्यादा influence थे T.S. Eliot और उन्होंने second phase create करा अपना poetry का? It was Lafort, right? It was Lafort, जो कि एक French writer थे, ठीक है? जो कि एक French poet थे, French writer, Lafort. Question number 61. Hogarth Press, set up by Wolfs, did not publish which of these authors? Hogarth Press, जो कि Leonard Woolf और Virginia Woolf की प्रेस थी, है ना? Leonard और Virginia Woolf की प्रेस का नाम था. उन्होंने एक राइटर को bluntly कह दिया कि हम आपके works publish नहीं करेंगे. And that was Charles Darwin. Very, very correct. Charles Darwin. Question number 62. Hogarth Press, set up by the Wolfs. It got mistakenly repeated. For which of her work did Virginia Woolf take references from the Shakespearean play As You Like It? As You Like It से Virginia Woolf ने अपने कौन से novel के लिए references लिए थे? So that was Night and Day, right? It was Night and Day, not The Voyage Out. Night and Day. Night and Day के लिए लिए थे. मैं भी confused थी, but then I verified it. मुझे भी कंफ्यूजन थी, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, बट देन आई चेक्ड इट अगेन एंड अगेन. इट इज नाइट एंड डे. क्वेश्चन नंबर 64. हु रेफर्ड टू हार्ट ऑफ डार्कनेस एज अ माइनर वर्क एंड क्रिटिसाइज्ड इट्स एडजेक्टिवल इंसिस्टेंस अपॉन इनएक्सप्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल मिस्ट्री? कि ये एक माइनर वर्क है और उसको क्रिटिसाइज करा कि ये जो वर्क है ना, एक तरह से जबरदस्ती मिस्टीरियस चीजों को हमें कॉम्प्रिहेंड करने में हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है. चीजें हमें समझ में नहीं आ रही, कहानी हमें समझ में नहीं आ रही, पर फिर भी हमारे ऊपर कहानी थोपने की कोशिश कर रहा है. यस, इट इज एफ आर लीविल्स. वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 65. अकॉर्डिंग टू व्हाट टीएस एलियट मेंशनड इन हिज एसे द पॉसिबिलिटी ऑफ पोएटिक ड्रामा डैश इज अमंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ पोएट्री. द पॉसिबिलिटी ऑफ पोएटिक ड्रामा में किसको सेवरल फॉर्म ऑफ पोएट्री में इंक्लूड करा? यस, इट इज ड्रामा. वेरी राइट. ड्रामा इज अमंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ पोएट्री. क्वेश्चन नंबर 66. व्हिच ऑफ द नॉवल बाय कॉनराड इज सेट इन रशिया? नॉवल कॉनराड का कौन सा नॉवल रशिया में सेट है? हाँ जी, व्हिच ऑफ दिस नॉवल इज सेट इन रशिया? सो दैट इज अंडर वेस्टर्न आई, राइट? जो कि एक स्पाई नॉवल है, ठीक है? ये एक स्पाई नॉवल है, अंडर वेस्टर्न आई. क्वेश्चन नंबर 67. व्हिच एसे ऑफ जेम्स जॉयस डिड हिज कॉलेज मैगजीन रिफ्यूज टू प्रिंट?
जेम्स जोइस का कौन सा एसे उनकी कॉलेज मैगजीन ने प्रिंट करने से मना कर दिया था? इट इज एसे ऑन आयरिश लिटरेचर. वेरी वेरी करेक्ट, एसे ऑन आयरिश लिटरेचर. क्वेश्चन नंबर 68. विच नॉवल ऑफ ई एम फॉस्टर वॉज पब्लिश्ड इन 1924? हाँ जी, ई एम फॉस्टर का कौन सा नॉवल 1924 में पब्लिश हुआ था? अ पैसेज टू इंडिया. अ पैसेज टू इंडिया. क्वेश्चन नंबर 69. What is the main reason Aziz in Foster's passage to India decides not to attend bridge party? जो फील्डिंग ने एक ब्रिज पार्टी रखी होती है, ठीक है, जहां पे उसने सबको बुलाया होता है, because it coincides with the anniversary of his wife's death. क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी होती है. क्वेश्चन नंबर 70. Who is the writer of the short stories Carlyle's House and other sketches? Carlyle's House and other sketches के राइटर कौन है? इट इज वर्जीनिया वुल्फ. वेरी राइट, इट इज वर्जीनिया वुल्फ. क्वेश्चन नंबर 71. विच ऑफ दीज इज द अबैंडन्ड वर्क ऑफ डीएच लॉरेंस, द वर्क विच ही डिडंट गेट पब्लिश. अबैंडन्ड वर्क इनमें से कौन सा है डीएच लॉरेंस का जो उन्होंने पब्लिश नहीं करवाया था, जो उन्होंने पब्लिश नहीं करवाया था? इट वॉज द वर्जिन एंड द जिप्सी. राइट, ये इनकम्प्लीट वर्क है, ये इनकम्प्लीट वर्क है, बट देन इट गॉट पब्लिश्ड एज अ शॉर्ट स्टोरी. राइट, पर फिर जितना पब्लिश हुआ इसको एज अ शॉर्ट नॉवेला पब्लिश किया था. इट वॉज द वर्जिन एंड द जिप्सी. राइट, द वर्जिन एंड द जिप्सी. क्वेश्चन नंबर 72. विच ऑफ शॉज प्लेज हैज द डॉन जुआन थीम लेजेंड एंड एज इट्स अंडरलाइन थीम? डॉन जुआन थीम शॉ के कौन से प्ले की है? इट इज मैन एंड सुपरमैन. राइट, इट इज मैन एंड सुपरमैन. क्वेश्चन नंबर 73. इन द फोर्थ टेम्पटर्स डायट्राइब अगेंस्ट बेकेट इन मर्डर इन द कैथीड्रल, व्हाट सब्जेक्ट डज ही ब्रिंग अप? मर्डर इन द कैथीड्रल में फोर्थ टेम्पटर क्या सब्जेक्ट लेके आता है? Yes, he wants Beckett to accept glory after death. Right? वो Beckett को कहता है glory after death के लिए. Right? Glory after death के लिए कि तुम famous हो जाओगे. Right? अगर तुम martyr हो जाओगे तो तुम famous हो जाओगे. Right? Question number 74. बच्चे, Aaron's Rod is a very much complete novel. Aaron's Rod is a very much complete novel. It is not incomplete. Don't get confused with it. Hanji. So, who was the first British poet to get influence from French symbolism? Right? It was T.S. Eliot. Okay. Question number 75. With what was the Joan of Arc most closely associated? हाँ जी, Joan of Arc किसके साथ associated है? So it is associated with the Hundred Years War, right? Oh sorry, गलती से मैं आपके yes it is W.B. Yeats. हाँ जी, मैं आप लोगों के comments पढ़ रही थी and I got गलती से mark कर दिया. Yes, it is Yeats. I am also sure. हाँ जी. So, Joan of Arc was associated with Hundred Years War between France and England, right? France और England के Hundred Year War से associated है. चलिए. Question number 76. Dash means cleansing in Greek. Refers to a literary theory first developed by the philosopher Aristotle, who believed that cleansing our emotions was the purpose of a good story, especially a tragedy. It is catharsis. Right, it is catharsis. Question number 77. Which of these movements did not usher during the modern age? Inme se kaun si movements modern age ka part nahi thi? Aestheticism, feminism, capitalism ya suffragette? Which of these movements did not usher in the modern age? It was
यस इट वॉज द सफर गेट, क्योंकि सफर गेट की बात तो डिकेंस के टाइम पे भी हो रही थी, ये डिकेंस के टाइम पे भी हो रही थी। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने भी ये इशू उठाया था। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने भी, सफर गेट क्या है? वोटिंग राइट्स। सफर गेट क्या है? वोटिंग राइट्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द यानर ऑफ मुसाडा पब्लिश्ड बाय डब्ल्यू बी येट्स? मुसाडा का यानर क्या है जो कि डब्ल्यू बी येट्स ने लिखा है? इट इज अ ड्रामेटिक पोयम एंड अ पैम्फलेट, राइट? सो बोथ ए एंड सी, राइट? ये एक पोयम भी है और एक पैम्फलेट भी है, राइट? बोथ, सॉरी, बोथ बी एंड सी, राइट? बोथ बी एंड सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79, विच वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले ऑफ जी बी शॉ? जीबी शॉ का फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले कौन सा था? आर्म्स एंड द मैन, राइट? आर्म्स एंड द मैन वाज हिज फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले। इट वाज आर्म्स एंड द मैन। क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच ऑफ दीज राइटर्स वाज नॉट रेफर्ड टू ट्रेस ट्रेडिशन बाय लीवीज इन हिज एसे द ग्रेट ट्रेडिशन? द ग्रेट ट्रेडिशन में किस राइटर को इंक्लूड नहीं करा था एफ आर लीवीज ने? इट वाज चार्ल्स डिकेंस, राइट? इट वाज चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 81, हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन शेक्सपियर? तो एसेज ऑन शेक्सपियर इज विलियम एम्पसन। बच्चे पहले आर्म्स एंड द मैन पब्लिश हुआ था, पिग्मेलियन कैसे हो सकता है? पहले आर्म्स एंड द मैन पब्लिश हुआ था। पिग्मेलियन बाद में हुआ था। आर्म्स एंड द मैन पब्लिश हुआ 1894 में, और पिग्मेलियन की डेट आई थिंक 1900 कुछ थी, 1913 में हुआ था। जस्ट स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस, प्लीज स्टॉप कंफ्यूजिंग मी। क्वेश्चन नंबर 82, इन विच ईयर डिड आईए रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म गॉट पब्लिश्ड? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कब पब्लिश हुआ था आईए रिचर्ड्स का? इट वाज पब्लिश्ड इन 1924। यस, इट वाज पब्लिश्ड इन 1924। क्वेश्चन नंबर 83, उन हूज बायोग्राफी द पोएम हॉरोस्कोप रिटन बाय बेकेट इज बेस्ड? हाँ जी, हॉरोस्कोप किसकी लाइफ पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ रेने डिस्कार्टस। इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ रेने डिस्कार्टस। क्वेश्चन नंबर 84, विच फिलोसफी वॉज द बैकग्राउंड फॉर बेकेट्स प्ले? कौन सी फिलोसफी बैकग्राउंड थी बेकेट के प्लेस के लिए? इट वॉज एग्जिस्टेंशियलिज्म, राइट? इट वॉज एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 85, द हॉक इन द पोयम द हॉक रूस्टिंग बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी Almighty and all powerful, right? He believes himself to be almighty and all powerful. Question number 86. Dash is the very end of the story where all the different plot lines are finally tied up and all remaining questions answered. End of the story किसको बोला जाएगा? It is denouement, right? The very end of the story is denouement. Question number 87. How many poems are there in Larkin's collection, The Less Deceived? The Less Deceived में total कितनी poems आ जाती हैं? So there are total 29 poems, right? There are total 29 poems in The Less Deceived. 29 poems are there. Yes. Question number 88. In which novel of Stevie Smith you find the character of Celia? सीलिया आपको कौन से कैरेक्टर स्टेवी स्मिथ के नॉवल में मिलेंगी? हु वर्क्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोग्राफी? इट इज द हॉलीडे। यस, इट इज द हॉलीडे, वेरी राइट। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डज द टर्म लिंगुआ फ्रेंका रेफर टू? लिंगुआ फ्रेंका को हम सिंपली बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, जो कि शेयर्ड लैंग्वेज होती है, राइट? सो लिंगुआ फ्रेंका इज अ शेयर्ड लैंग्वेज primarily used for business, education or political reasons. All right. Question number 90. Language variation according to the situations is called. Language variation को हम क्या बोलते हैं?
It is, so language variation according to the situation is register. All right. So now I will see you in the next session for the MCQs, for the remaining questions of the mock test, right? We will complete other part of the mock tests in the next lecture at 6 o'clock. All right. I'll see you in just some time. Thank you so much, all of you.